नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के शो में ऑफकोर्स मैं आपको 10 ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम्स फिर से दिखाने वाला हूँ, लेकिन इस बार मैच रहेगा, कल डबल हेडर मैच है दोस्तों आईपीएल में, तो मैच रहेगा जो दिल्ली कैपिटल वर्सेस PBKS यानी पंजाब किंग्स है, उसकी 10 ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम्स में आपको दिखाने वाला हूँ। आपको ऑफकोर्स मैं वो दूसरा भी वीडियो जरूर दूंगा KKR का, लेकिन अभी फिलहाल इसकी 10 ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम्स हमको देख लेनी है। जैसे कि मैंने मैच को हाईलाइट करके दिखा दिया था, उस पर आपको क्लिक कर लेनी है। और ऑफकोर्स आपने अगर अब तक टीम नहीं बनाई तो आपको नीचे तो क्रिएट अ टीम का ऑप्शन मिल ही जाता है, साथ ही साथ आप माय टीम पर जाके क्रिएट अ टीम कर सकते हैं। और इनफैक्ट मल्टीपल्स टीम बनाना थोड़ा यहाँ पे आसान हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 10 टीम्स बना के रख चुका हूँ। तो इसीलिए मैं एक एक करके सभी टीमें आपको प्रिव्यू करके दिखाऊंगा, माय टीम पर जाके किस किस को लेना है, किस किस को नहीं लेना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बना सकते हैं, ये सब बातें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले कि आपको वीडियो को शुरू करूँ दोस्तों, ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूले। चले वीडियो को शुरू करते हैं, माय टीम पर क्लिक करके पहली टीम मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब तक सभी टीमें एक एक मैच ना खेल ले तब तक थोड़ा टीम का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा आ ही जाता है कि कौन कौन प्लेइंग इलेवन में खेल सकता है। तो अभी पहले तो ऑफकोर्स मैं ऋषभ पंत के साथ ही जाऊंगा एज अ विकेट कीपर देखेंगे तो, उसके बाद डेविड वार्नर, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, इस तरह से मेरे पास तीन यहाँ पर बल्लेबाज रहने वाले, उसके बाद मिचेल मार्श, अक्षर पटेल और सिकंदर रजा। तो ये तीन ऑलराउंडर और उनके साथ साथ लिविंगस्टोन और सैम कुरन, मतलब पांच ऑलराउंडर यहाँ पर रहने वाले। लेकिन इसी वजह से दो ही यहाँ पर मेरे पास गेंदबाज एक ऑप्शन बचे थे, तो अर्शदीप और कुलदीप यादव के साथ जाऊँगा मैं। मुझे लगता है ये दोनों ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं ऑप्शन। वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गेंदबाजी में आपके पास एंड्रिक नोजे है, कग्गीसो रबाड़ा है, आपके पास हर्षल पटेल है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन मैं इन दोनों के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बात और आगे ज़रूर बताऊँगा। पहले अभी मिचेल मार्श को कैप्टन और ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ऋषभ पंत ने शिखर धवन को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ। एक काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता, तो एक अच्छा खासा बैट्समैन है जो हर साल अच्छे रन बनाता है, वो है शिखर धवन। चलिए दोस्तों अच्छी टीम है, ग्रैंड लीग, बड़ी लीग, स्मॉल लीग, सभी लीगों के लिए तो बेस्ट साबित हो ही सकती है, फिर भी आप अपने अनुसार जिस भी लीग के लिए आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए इस टीम को क्लोज कर लेते हैं, दूसरी टीम पर चलते हैं। अब दूसरी टीम की अगर बात करूं तो यहां पर मैंने आपके पास, आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कीपिंग में आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शन है। यहां पर जितेश शर्मा भी मैंने लिया है, ऋषभ पंत भी है और परमसिमरन सिंह, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं तीनों के साथ जाना चाहूँगा, मुझे लग रहा है कि तीनों 100% प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं और एक और कीपर प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकता है, टी स्टब्स, लेकिन मैं उनको ज़्यादा जगहों पे नहीं ट्राई करूँगा क्योंकि उनका खेलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उसके बाद डेविड वार्नर, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ, इस तरह से तीन बल्लेबाज भी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। उसके बाद मिचेल मार्श है, सिकंदर रजा, लिविंगस्टोन, ये तीनों भी अच्छे खासे हैं। सिकंदर रजा का जैसे कि आपने अगर देखा हो तो उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले T20 या T10 में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, तो मुझे लगता है इनका इनको टीम में जगह मिल सकती है, वरना कोई और भी यहाँ पर आ सकता है। एंड्रिक नोजे और कग्गीसो रबाड़ा, जैसे कि आपको बताया था कि दोनों भी है, तो इन दोनों को साथ में मैंने सेकंड टीम में ही ले लिया है क्योंकि ज़्यादा दूर हम इनको नहीं रख सकते। इसके बाद धवन को और पृथ्वी शॉ को इस टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाऊंगा। दोनों अपने अपने टीमों के लिए ओपनिंग के लिए आते हैं और अच्छे खासे रन बनाते हैं, शुरुआत अच्छी करते हैं, तो मुझे लगता है इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। और दोनों ने अपनी अपनी टीम में, मतलब भारतीय टीम में जगह खोई है, तो उनके पास काफ़ी बड़ा मौका रहेगा, काफ़ी सुनहरा मौका रहेगा अपने आप को प्रूव करने का। तो मुझे लगता है इसीलिए इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना ज़रूरी है। ये टीम भी मुझे लगता है ग्रैंड लीग, बड़ी लीग, स्मॉल लीग सभी लीगों के लिए बेस्ट साबित हो सकती है, लेकिन आप पर छोड़ता हूँ कि मतलब आपको कोई सी भी टीम लीग के लिए यूज़ करनी है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, फिर भी आप सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं, तीसरी टीम पर चलते हैं।
अब तीसरी टीम की अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पर मैंने फिर से ऋषभ पंत को ही ले लिया है। हाँ, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन देखिए, डेविड वार्नर, शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो का भी मुझे थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा है खेलना नहीं खेलना, फिर भी मैं कुछ टीमों में उनको ले लूँगा। पृथ्वी शॉ, इस तरह से चार बल्लेबाज मेरे पास रहने वाले जो बेस्ट साबित हो सकते हैं। मिचेल मार्श, अक्षर पटेल और सैम कुरन अच्छे खासे ऑलराउंडर है, या दोनों तीनों अच्छे बैटिंग कर सकते हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर सकते हैं। उसके बाद अर्शदीप सिंह, एड्रिक नोजे और कगिस ओडावाडा, मतलब अगर देखे जाए तो तीनों बेस्ट गेंदबाज है, तो इसलिए तीनों को साथ में लेना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर डेविड वार्नर को लिया जाए और एक भी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन न बनाया जाए, ऐसा तो होना नामुमकिन है, तो इसलिए यहाँ पर इनको कैप्टन और सैम कुरन को उनके साथ वाइस कैप्टन बनाऊंगा। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, कुरन को कैप्टन, वार्नर को वाइस कैप्टन, लेकिन मुझे लगता है डेविड वार्नर को कैप्टन बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। चले, ये टीम भी बेहतर है, लीग, ग्रैंड लीग, बड़ी लीग, स्मॉल लीग, सभी लीगों के लिए बेस्ट साबित हो सकती है, फिर भी आप सोच समझ के यूज कीजिएगा। चलिए, इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते हैं और अब चौथी टीम पर हम चलते हैं, किस तरह से आपने बनाई है। अब चौथी टीम की बात करूं तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा सा डिसीजन लिया है, ऋषभ पंत को ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों बाद खेलने आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो खेल ही जाएंगे, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि खेलेंगे अच्छे, लेकिन हो सकता है कि अच्छा ना भी खेले, तो इसलिए एक ही कीपर लूँगा, जितेश शर्मा, क्योंकि ये बल्लेबाज काफ़ी बढ़िया है, इनको भी लेना मतलब फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वार्नर, धवन, बेयरस्टो और पृथ्वी शॉ, फिर से चार ऐसे बल्लेबाज है जो बेस्ट साबित हो सकते हैं। ये यहाँ पर और अलग बात है कि मैं सिर्फ ऑलराउंडर में मिचेल मार्श के साथ जा रहा हूँ, बाकी किसी और के साथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास अब देखिए गेंदबाजी में मेरे पास अभी तक ज़्यादा ऑप्शन नहीं बन रहे थे। अब देखिए, कुलदीप यादव, हर्षल पटेल, ईशांत शर्मा, कगिस ओडावाडा, एंड्रिक नोजे, मतलब एक से एक गेंदबाज है मेरे पास, अगर दोनों पाँचों अगर दो दो भी विकेट ले लें तो आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है, लेकिन थोड़ी रिस्क टीम में जरूर कहूँगा, क्योंकि ऑलराउंडर में काफ़ी कम ऑलराउंडर है मेरे पास, तो इसीलिए है थोड़ी रिस्क टीम हो सकती है। पृथ्वी शॉ को कैप्टन और जॉनी बेयरस्टो को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, उल्टा करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, जॉनी बेयरस्टो को कैप्टन और पृथ्वी शॉ को वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, लेकिन ये टीम मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग या बड़ी लीग के लिए सजेस्ट करूँगा, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान भी ना हो। दोस्तों मैं इस टीम को भी क्लोज करता हूँ और पांचवी टीम पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जितेश शर्मा और ऋषभ पंत दोनों को साथ में ले लिया है, मतलब अगर दोनों अच्छा खेलते हैं तो ये टीम आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करा के दे सकती है। दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, मुझे एक ही मोटिव है कि मैं आपको ग्रैंड लीग जिता सकूँ, इसीलिए मुझे हर एक वो ऑप्शन मैं आपको देने की पूरी कोशिश करता हूँ जिससे आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, तो इसीलिए मैं चेंजेस करता रहता हूँ हर टीम में, और कुछ ना कुछ थोड़े अनोखे भी चेंजेस करता हूँ जो अगर अच्छे पड़ जाए तो ग्रैंड लीग 100% आप जीत सकते हैं। उसके बाद बैटिंग की बात करूँ तो डेविड वार्नर है मेरे पास, उसके बाद शिखर धवन है मेरे पास, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, शिखर धवन है मेरे पास अगर देखेंगे तो, उसके बाद भी अगर देखेंगे तो मेरे पास पृथ्वी शॉ भी है और अथर्व टाइडे, पिछले साल इन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया था, तो मुझे लगता है ये भी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की लग रहा है प्रभ सिमरन और जितेश शर्मा के सामने, इनका मतलब खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टीमों में नहीं लूँगा। अगर ज़्यादा अच्छे खेलते मतलब वो अगर प्लेइंग 11 में रहते तो आप ज़्यादा टीमों में भी उनको ले सकते हैं। मिचेल मार्श को लूँगा, अक्षर पटेल और लिविंगस्टोन, इस तरह से तीन अच्छे ऑलराउंडर फिर से मेरे पास रहने वाले जो कि बेस्ट हिटर भी है और बेस्ट गेंदबाज भी है। उसके बाद राहुल चहर को अभी तक नहीं लिया था, उनको ले लूँगा और अर्शदीप को भी इस टीम में ज़रूर ले लूँगा। तो इस तरह से ये भी टीम काफ़ी बढ़िया है, फिर से कहूँगा थोड़ी अलग है, रिस्की है, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड लीग या बड़ी लीग के लिए तो ज़रूर यूज कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए यूज करना है नहीं करना है मैं आप पर छोड़ता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर बात करूँ तो कैप्टन मैंने अक्षर पटेल को बनाया है, जी हाँ दोस्तों, और वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ डेविड वार्नर को। आप चाहे तो मतलब उल्टा कर सकते हैं या फिर किसी और को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे लगता है अक्षर पटेल भी एक ज़बरदस्त प्लेयर है, अच्छी हिटिंग करते हैं और विकेटें भी मिल जाती है, तो इसीलिए एक हाथ टीम में आप इनको जरूर कैप्टन बना सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इनको मैंने कैप्टन बनाया। चलिए इस टीम को भी क्लोज करते हैं, छठी टीम पर चलता है हमें।
अब छठी टीम की बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको पंत के साथ साथ प्रभ सिमरन को लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी जितेश शर्मा को ले लिया है, हो सकता है वो जोड़ी ना आज ये कल जो ये जोड़ी ज़्यादा चल जाए, तो इसलिए इन दोनों को भी साथ में लेना चाहूँगा। मतलब हर एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा अलग अलग, तभी आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। उसके बाद डेविड वॉर्नर, शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, तीन ही बल्लेबाज इस टीम में रखूंगा मैं। उसके बाद मिचेल मार्श रहेंगे, यहाँ पर अक्षर पटेल, सिकंदर रजा, लिविंगस्टोन, इस तरह से चार ऑलराउंडर रहेंगे मेरे पास, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको अच्छा पॉइंट दिला सकते हैं। हर्षल पटेल और कुलदीप यादव, इस तरह से दो गेंदबाज रहेंगे मेरे पास। तो देखेंगे तो कुल मिला के टीम काफ़ी बढ़िया है, ऐसा नहीं कि कोई भी रिस्क मैंने लिया है, ज़बरदस्त टीम है, आप चाहे तो ज़रूर यूज कर सकते हैं। बैरिस्टो को कैप्टन और अक्षर को इस टीम का वाइस कैप्टन बनाऊंगा, आप चाहे तो किसी और को भी बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा हटके जोड़ी ट्राई करना ज़्यादा फायदेमंद भी रह सकता है, हो सकता है ये कल दोनों अच्छा कर जाए और आपको ग्रैंड लीग जिता दे। तो अलग अलग मैं आपको कप्तान और वाइस कैप्टन सजेस्ट करता रहता हूँ, लेकिन आप चाहे तो मतलब हर टीम को मतलब कुछ दो एक दो टीमों को सेम भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम मैं कहूँगा उसी तरह से कि आप अगर हर टीम में एक दो चेंजेस भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सभी अगर सेम टीम लगा देंगे तो सभी का जितना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं और वो अच्छे पड़ जाते हैं तो आपके जीतने के चांसेस भी उतने बढ़ जाएंगे। ये टीम भी काफ़ी बढ़िया है, ग्रैंड लीग, बड़ी लीग, स्मॉल लीग, सभी लीगों के लिए अच्छी हो सकती है। चलिए इस टीम को क्लोज करते हैं, सातवीं टीम पर हमें चलना है। अब मैं आपको एक और ऐसी मतलब सरप्राइजिंग टीम दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो जितेश शर्मा, ऋषभ पंत, प्रभ सिमरन, टी स्टब्स, मतलब चार जो ऑप्शन थे चारों को मैंने इस टीम में ले लिया है। आपको एक बात जरूर बता दूँ, शाई होप भी यहाँ पर है, लेकिन माफ कीजिएगा उनको मैं कहीं पे नहीं ले पा रहा हूँ, अगर वो प्लेइंग 11 में शामिल होते तो आपको ज़रूर उनको ले लेना है। डेविड वार्नर और शिखर धवन दो ही यहाँ पर बल्लेबाज मैं इस टीम में लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी चार कीपर मैं ले चुका हूँ। उसके बाद मिचेल मार्श, अक्षर पटेल और सिकंदर रजा, तीन ऑलराउंडर, मतलब यहाँ पर मैंने कुछ भी कटौती नहीं की है, इन तीनों को रहने दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अक्षर पटेल और एड्रिक नोजे दोनों को इस टीम में ले लिया है एज अ गेंदबाज। यहाँ पर सिर्फ लिविंगस्टोन को मैंने ड्रॉप कर दिया है और सैम कुरन को, सैम कुरन का फॉर्म भी इतना कुछ बेहतर नहीं चल रहा है, तो आप कुछ टीमों में उनको ड्रॉप कर सकते हैं, हो सकता है और एक हाथ दो टीमों में आप उनको कहीं पे कैप्टन बना दीजिए, हो सकता है अगर अच्छा खेल जाए तो वो टीमें आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी, और अच्छे नहीं खेलते तो जहां हमने छोड़ दिया उनको वो टीमों में हमें फ़ायदा होगा। मतलब अच्छी प्लानिंग करके हमने ऐसा करना होगा। यहाँ पर इस टीम को कैप्टन मैं सिकंदर रजा को बनाऊंगा, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत को बनाऊंगा, दोनों बेस्ट है दोस्तों, आप दोनों के साथ जा सकते हैं, एज कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं। उल्टा करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, पंत को कैप्टन और रजा को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन रजा एज अ बैट्समैन और बॉलर दोनों मतलब अच्छा कर सकते हैं, तो इसीलिए कैप्टन बना रहा हूँ, डबल पॉइंट मिलेंगे, पंत बैटिंग करेंगे, हाँ ये कीपिंग भी कर सकते हैं तो ये भी डबल पॉइंट जरूर दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यही बेटर रहेगा। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा टीमें बनाते हैं तो उल्टा कर सकते हैं आप 11वीं टीम में। इस टीम को भी मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए यूज़ कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए यूज़ ना ही करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी रिस्की टीम है, तो इसीलिए सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए यूज करना तो बेटर रहेगा। इस टीम को भी क्लोज करते हैं, आठवीं टीम पर चलते हैं। आठवीं टीम की अगर बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने और एक डिसीजन लिया है, सिर्फ पंत के साथ ही जा रहा हूँ, बाकी किसी और के साथ नहीं जाऊँगा। डेविड वार्नर और शिखर धवन दो ही यहाँ पर बल्लेबाज दूंगा, और इसकी वजह से मेरे पास देखिए मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, सिकंदर रजा, सैम कुरन, अलग और चार ऑलराउंडर मेरे पास ऑप्शन हो चुके हैं। उसके बाद ईशान शर्मा, मुकेश कुमार, इनको मैंने ज़्यादा टीमों में नहीं लिया, आप ज़्यादा टीमों में लेना चाहे तो ज़रूर ले सकते हैं। राहुल चहर, हर्षदीप सिंह, मतलब ऐसे चार गेंदबाज हैं जो कि बेस्ट साबित हो सकते हैं और आपको ग्रैंड लीग जिता दे सकते हैं। हाँ, आपको अगर यहाँ पर चेंजेस करना चाहे तो आप हर्षदीप की जगह पे तो रबाडा नोजे दोनों में से किसी एक को लेना चाहे तो ले सकते हैं, और वही ईशान शर्मा या फिर मुकेश कुमार के साथ जगह पे आप रबाडा या नोजे को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। इस टीम का कैप्टन मैं ऋषभ पंत को बनाना चाहूँगा और वाइस कैप्टन मिचेल मार्श को बनाना चाहूँगा, ये भी दोनों ज़बरदस्त है और दोनों अच्छा करते हैं और डबल पॉइंट आपको दे सकते हैं। एज अ विकेट कीपर आप ऋषभ पंत बैटिंग और विकेट कीपिंग के पॉइंट देंगे और मिचेल मार्श बैटिंग और बॉलिंग दोनों के देंगे। ये टीम भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए सजेस्ट करूंगा, स्मॉल लीग के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, फिर भी अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए इस टीम को भी क्लोज करते हैं और नौवीं टीम पर चलते हैं, किस तरह से आपने बनाई है। अब
नवी टीम पर देखेंगे तो मैंने और भी अलग टीम बनाने की पूरी कोशिश की, टी स्टब्स, प्रभसिमरन और ऋषभ पंत, इस तरह से तीन कीपर मैंने इस टीम में ले ली है, शिखर धवन, डेविड वार्नर, जॉनी बेरिस्टो और अथर्व टाइडे, इन चारों को साथ में बैटिंग में ले रहा हूँ। उसके बाद मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, सैम कुरन तीन ऑलराउंडर रहेंगे और माफ कीजिएगा अर्शदीप सिंह मेरे पास अकेले गेंदबाज रहेंगे और तो अलग टीम जरूर है दोस्तों, लेकिन फायदेमंद साबित हो सकती है। इस टीम का कैप्टन मैं सैम कुरन को बनाने जा रहा हूँ और वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ प्रभसिमरन सिंह को। थोड़ी अलग जोड़ी जरूर है दोस्तों, लेकिन अगर चल जाती है तो काफ़ी कम लोग रहेंगे जो इन पर भरोसा करेंगे एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर अच्छी चल जाती तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करा के दे सकती है, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। ऑफकोर्स ये टीम भी मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करनी चाहिए, स्मॉल लीग के लिए यूज़ ना ही करें तो बेटर रहेगा, ग्रैंड लीग और बड़ी लीग के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस टीम को भी क्लोज करते हैं। दसवीं और आखिरी टीम हमें देख लेनी है। अब दसवीं और आखिरी टीम की अगर बात करूँ तो ऋषभ पंत को मैं यहाँ पर ले लूँगा, उसके बाद डेविड वार्नर, शिखर धवन और अथर्व टाइडे। थोड़े अलग टीम बनाने जा रहा हूँ फिर से, ताकि आपको ग्रैंड लीग जीतने में थोड़ा मतलब फ़ायदा हो सके। मिचेल मार्श, अक्षर पटेल, सिकंदर रजा और लिविंगस्टोन, इस तरह से चार ऑलराउंडर यहाँ पर मेरे पास रहने वाले हैं। कगिसो रबाड़ा, एंड्रिक नोजे और अर्शदीप, बेस्ट तीन गेंदबाज फिर से मेरे पास रहने वाले जो कि आपको काफ़ी फ़ायदा करा के दे सकते। तो कुल मिला के टीम काफ़ी अच्छी है, अगर कुछ थोड़ा रिस्क छोड़ दिया जाए तो टीम काफ़ी बढ़िया है। इस टाइम का कैप्टन लिविंगस्टोन को बनाने जा रहा हूँ तो एंड्रिक नोजे को वाइस कैप्टन बनाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आज के मैच में आप देख सकते हैं चेन्नई की तरफ से मुस्तफिजुर ने काफ़ी ज़्यादा विकेट लिए, तो यहाँ पर आप किसी फास्टर को भी अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहे तो ज़रूर बना सकते हैं, जैसे कि रबाड़ा है, नोजे है, अर्शदीप सिंह है, तो इनको भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं करना चाहे तो। ये टीम भी काफ़ी बढ़िया है, हाँ आप चाहे तो इस टीम को ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करें, आप चाहे तो स्मॉल लीग के लिए, आप पर छोड़ता हूँ। मुझे लगता है ये टीम वैसे तो बेस्ट है, लेकिन फिर भी आप पर छोड़ता हूँ आपको इस टीम को किस लीग के लिए यूज़ करना है। तो आई होप मैंने पूरी अच्छे से 10 टीमें देने की पूरी कोशिश की है आपको। सबको अगर पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सकता है मैं कल और 2-3 टीमों के स्क्रीनशॉट वहाँ पे शेयर करूँ और अगर कुछ चेंजेस रहते तो आपको बता दूंगा कि किसे ड्रॉप किया गया है और उसकी जगह पर किसे लिया गया, तो इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।